नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M12 versus Vivo Y12s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M12 में 6.46 इंच जबकि Vivo Y12s में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M12 में 2.99 इंच जबकि Vivo Y12s में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M12 में 0.38 इंच जबकि Vivo Y12s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M12 में 221 ग्राम जबकि Vivo Y12s में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M12 में RTFT LCD जबकि Vivo Y12s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M12 में 6.5 इंचेस जबकि Vivo Y12s में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M12 में 81.95% जबकि Vivo Y12s में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y12s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y12s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M12 में Mali-G52MP1 जबकि Vivo Y12s में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Vivo Y12s में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M12 में 4 GB जबकि Vivo Y12s में 3 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M12 में 64 GB जबकि Vivo Y12s में 32 GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M12 में अप टू 1 TB जबकि Vivo Y12s में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M12 में Android V11 जबकि Vivo Y12s में Android V10 क्यों देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M12 में 6000 mAh जबकि Vivo Y12s में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M12 में 3 कलर्स जबकि Vivo Y12s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M12 की 10,999 रुपीस जबकि Vivo Y12s की 9,990 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी M12 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M12 आगे है। इंटरनल मेमोरी में गैलेक्सी M12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है जो कि 12,670 रुपए में मिलता है। दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F12 है जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M3 है जो कि 11,499 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।